दिल्ली में हो रही G20 की बैठक को लेकर के गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर के भी प्लान तैयार किया है और इसमें कई जगह डायवर्जन दिए गए हैं। आज जो है NH-48 के ऊपर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। इसके साथ साथ जितने भी जो हल्के भी कमर्शियल वाहन है उनकी भी आवाजाही बंद की गई है। इसके अलावा जो एक तरह के सर्विस रोड के ऊपर जो कट्स हैं उनको बंद किया गया है। NH-48 के जरिए जो एयरपोर्ट की एंट्री है उसको भी बंद किया गया है। अब गुरुग्राम से जो एयरपोर्ट जाना चाहता है वो उन्हें कापाछेड़ा होते हुए सर्विस रोड के जरिए ही एक तरह से एयरपोर्ट पर जाना होगा। बाकी रास्तों से एंट्री बंद की गई है। इस वक्त आप बॉर्डर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो BSF और ITBP के जो जवान है वो सुरक्षा में लगे हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा ये तय कर रहे हैं कि कोई भी कमर्शियल वाहन जो है वो इस रास्ते के जरिए ना जाए। एक तरह से गुरुग्राम से जो भी लोग खासतौर से दिल्ली जाना चाहते हैं उन्हें या तो मेट्रो के जरिए जाना होगा या फिर अगर वो बस से जाना चाहते हैं तो उन्हें MG रोड होते हुए जाना होगा। NH-48 की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सर्विस रोड है उसको बंद किया गया है। गुरुग्राम से ओल्ड दिल्ली रोड जिसे कहा जाता है यानी कि कापाछेड़ा रोड जिसे कहा जाता है उस रोड के जरिए जो है वो दिल्ली के लिए एंट्री है। एमजी रोड के जरिए एंट्री है, मेट्रो के जरिए एंट्री है, लेकिन NH-48 के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आपको कहीं भी जो बीच में जो सर्विस रोड के ऊपर जो कट है उनके ऊपर आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। सीधी गुरुग्राम से आप सीधे दिल्ली के ऊपर जाएंगे और एयरपोर्ट खासतौर से आप इस रास्ते के जरिए नहीं जा पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अब जो है चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और साथ में ये तय किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जिनको जाने की अनुमति नहीं है उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर कॉमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं छोटी उनमें भी उन्हीं कार को जाने की अनुमति है जिनके पास वैलिड पास है या फिर उनको अनुमति जिन्होंने ली हुई है उन्हीं को जाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सुरक्षा कड़ी की गई है और यहाँ पर यह तय किया गया है कि कोई भी कॉमर्शियल वाहन हो या फिर बस हो या फिर कॉमर्शियल जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको ना जाने दिया जाए। पूरी तरह से सर्विस रोड को भी बंद कर दिया गया है। धर्मवीर शर्मा, News 18, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर।